जी हाँ, आज हमारी मासिक बैठक होती है FCPC की, उसको लेकर के हमारे कमेटी के सदस्य थे और माननीय मेरे उपमहापौर थे, कमिश्नर साहब और पूरा जो स्टाफ होता है उसको लेकर के। आप फाइनेंस से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसको हम FCPC में लाते हैं और उसको आगे हाउस में भेजते हैं। सबसे पहले इसमें 2-3-4 इश्यूज हमारे ऐसे आए थे, जो हमारे सड़क का इशू एक शनान से लेके छोटा शिमला तक, जिसमें लगभग SJVN हमको उसमें फंडिंग कर रहा है, उसके एस्टीमेट्स थे हमारे। एक तो एक 25 लाख का एक एस्टीमेट था, उन्होंने टायरिंग भी करानी है और उसको हमने एक एस्टीमेट अलग से बनाया, और 1.25 करोड़ के करीब उन्होंने एक हमने एक 3 तरह के एस्टीमेट बनवाने थे 3 स्टेजेस में, वो हमने हाउस में लगाए, FCPC में लगाए, वो भी हम हाउस के लिए लाएंगे। उसके अलावा हमारा जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू था, जो लगभग हमारे पास 700 स्ट्रीट लाइट्स आ चुकी है और उसका एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म, टेंडर जो ख़त्म हो रहा है ये सेल का फरवरी में, तो हम उसको फ्रेश नया टेंडर लगाने के लिए हमने वो भी एक FCPC के पास मामला आया था। इसके अलावा जो हमारी डंपिंग साइट्स है, हमने जो कुछ 3 से 4 साइट्स डंपिंग साइट्स को अप्लाई किया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, उसमें चाहे संजोली की साइट है, कल्लोक की साइट है और ढली की साइट है, उसमें वो भी हमारे 2 केसेस उसमें FC के लिए गए हैं, वो भी हमने मंजूरी के लिए भेजे और फाइनेंस वो चर्चा में हमने लाए थे और सरकार को हाउस के माध्यम से गवर्नमेंट को भी भेजेंगे, ताकि वो हमारे को डंपिंग साइट जो है बहुत ज़रूरी है उसको हमारे को अलाउ करें। और इसके अलावा जो पार्किंग के इश्यूज़ थे दूसरे और बाकी टॉयलेट्स है, ये हमारा समरिल का टॉयलेट्स बनना है, उन्होंने जहाँ क्रीमेशन ग्राउंड है, उन्होंने एक वार्ड के पार्षद ने भी एक मांग की थी कि हमारे को जहाँ क्रीमेशन ग्राउंड है समरिल में वहाँ टॉयलेट का होना ज़रूरी है, और एक स्टोर के लिए उनको एक जो क्रीमेशन ग्राउंड के लिए लकड़ी आती है उसकी भी ये भी जगह चाहिए थी। तो और राम बाज़ार में टॉयलेट्स के, राम बाज़ार में जो हमारी दुकानें बनी हैं उसके लिए उन्होंने स्टोर मांगे हैं, जो उनके शॉपकीपर्स थे उनको भी हम उसमें हमने एक रेंट फिक्स किया है, तो जो अप्लाई करेंगे तो उसमें उनको भी हम अलाउ करेंगे। सारे मामले आए थे इसमें और हम जो जितने भी डिस्कशन के बाद हम उसको हाउस के सामने लाएंगे, वहाँ पर फाइनल मंजूरी होगी। देखिए, मैं जो वहाँ पर दुकानें जो अगर नहीं लेंगे हम, तो उस हमारा जो प्रोसीजर है वो टेंडर का सिस्टम है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी आए हैं जो सिंगल टेंडर है, तो उसको हम हाउस की मंजूरी के लिए भी लाएंगे, कि क्योंकि 2-3 दफ़ा अगर टेंडर हो गए उसमें कोई नहीं आया, अगर वो सिंगल ही है तो उसको हम हाउस में मंजूरी के लिए भी पेश करेंगे। और इसके अलावा जो बची हुई दुकानें हैं उसको भी हम टेंडर के माध्यम से एक बार और करेंगे, और जो लेना चाहता है उसको एक हमने ओपन टेंडर होता है उसमें आप बिड अपनी डाल सकता है, उसको उस बेस पे हम रेंट अलाउ कर देते हैं। देखिए, हमने बड़ी अलग अलग जगह लोकेशंस पे जहाँ हमारी पार्किंग्स बन रही है वहाँ हमने कई जगह शॉप्स का भी प्रोविज़न रखा है, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को भी, और एक कैंटीन का जहाँ बड़ी पार्किंग्स हैं वहाँ वो दे अलाउ कर रहे हैं, कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं अपने हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, तो उस सारी जगह जहाँ जहाँ बन रहा है उसको छोटी कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं। बिल्कुल, आय में निगम बढ़ाने के लिए हमारी जहाँ जहाँ जगह है हम उसको एक अपने, चाहे वो कमर्शियल एरिया बने या हम आने वाले टाइम में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं जहाँ अपनी लैंड पे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हो, जितनी जगह हमारे पास बनी हुई हम उसको बना देंगे अपने स्पेस पे, उसको हम अलाउ कर सकते हैं कि आप उसमें कोई भी चीज़ खोलना चाहे, कोई स्टोर है, आप शॉप है, वाइन शॉप्स है, दूसरी चीज़ कई चीज़ें जो अपनी हम जगह को अपने यूज़ करेंगे, उस जगह में हम फैब्रिकेट स्ट्रक्चर बनाने का हमारा एक प्रपोजल है जिसको हम अभी चर्चा के लिए लाएंगे ज़रूर। अभी समय रहते आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन उसका है हमारा ऐसा, जहाँ हमारी खाली लैंड है हम उसको यूज़ करना चाहते हैं ताकि उसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर ला जाए। आप
आपका सर पहला बजट है, कब तक बजट ये करवाया जाएगा और क्या सुझाव देने शुरू कर दिए? हाँ बिल्कुल, हमारे फरवरी में हम बजट अपना पेश करेंगे और हमारे जो सुझाव है वो मेरे को हमारे अपने ऑफिस में, मुझे कोई भी आदमी इसको अपना शिमला की बेहतरी के लिए या अच्छा सुझाव, हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे, जो हमारी जो जो अपने साधनों के अंदर जो कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा कोई बजट पेश करने की कोशिश करेंगे। और अभी लगभग हमें 7-6 महीने हुए हमारे जून जुलाई में हमारा को मेजे साल होगा हमारे नगर निगम को बैठने में, लेकिन बजट हम ज़रूर अच्छा, बहुत बढ़िया और अच्छे से अच्छा बजट देंगे।